ये स्मार्ट बिजली मीटर है, इसको लेकर भारत में काफ़ी रोष है, काफ़ी लोग परेशान हैं और बहुत शिकायत वाली वीडियोस आपको YouTube पर, Facebook पर देखने को मिल जा रही है। और ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, इस मीटर से वही लोग परेशान हैं, वही लोग दुखित हैं जो लोग पहले भी चोरी किया करते थे बिजली की। पुराने मीटर में क्या होता था, वो लोग क्यों खुश थे पुराने मीटर से, पुराने मीटर को लोग आसानी से बंद कर सकते थे, पुराने मीटर में छेड़छाड़ करना काफ़ी आसान था, 100 यूनिट बिजली जलाने पर मीटर में 10 यूनिट रीडिंग ही होती थी। ऐसे में बिजली कंपनी को भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। कई लोग अपने मीटर में आसानी से सर्किट लगा देते थे और एसी का इस्तेमाल करते थे और बिजली बिल कुछ नहीं उनकी आती थी। और जो ईमानदार थे वो उस टाइम भी पूरी ईमानदारी के साथ बिल का भुगतान करते थे और आज स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी ईमानदारी के साथ भुगतान कर रहे हैं और अपने जीवन में व्यस्त हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके घर में पुराना बिजली मीटर है या फिर डिजिटल स्मार्ट बिजली मीटर है। मैं खुद इस मीटर का उपभोक्ता हूं और पिछले 8 महीने से मैं इस मीटर का उपयोग कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रही है। जितना मैं इस्तेमाल करता हूँ उतना पे करता हूँ। अरे समझदारी इसमें है, ये सोचो आप कि पहले पुराने बिजली मीटर में जब बिल आती थी तो आपको अंदाज़ा नहीं होता था कि बिल कितनी की आएगी। जब बिल आती थी तो दिमाग ख़राब हो जाता था, 10,000, 15,000, किसी किसी का तो 1-1 लाख का बिल आता था और उस समय सब लोग अपने सर को पकड़ के बैठ जाते थे कि 1 लाख का बिल कहाँ से हम पे करेंगे। उस टाइम फिर बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू करते थे सब लोग। आज के समय में क्या है, आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करो, उतना रिचार्ज करो, उससे ज़्यादा होगा बिजली कट जाएगी। अरे मनचाहा इस्तेमाल करो, मनचाहा पे करो, इसमें इतना बवाल करने की क्या आवश्यकता है। और मैं जानता हूँ इस वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो ईमानदारी से बिजली का उपयोग करके भुगतान करने में विश्वास रखते हैं उनको नए बिजली मीटर से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मैं BJP का समर्थक हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ और ईमानदारी से उपयोग किए गए चीज़ों का भुगतान भी करता हूँ। और आपके अंदर भी ईमानदारी है तो इस चीज़ को समझिए कि नए बिजली मीटर से आपको बहुत से लाभ मिल रहे हैं। आपके सामने आपके खर्च दिख रहे हैं बिजली के, आप स्मार्टली यूज़ करो ना बिजली मीटर को। आप बैठे हो एक रूम में, हर कमरे का आपने पंखा चलाया हुआ है, 2-2, 3-3 एसी लगाए हुए हैं आप लोग। जिनके घर में एसी नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में एसी होंगे, पंखे तो होंगे ना, पंखे, टीवी, मोबाइल, ये सभी तो कॉमन्स हैं सबके घर में, मिक्सर, मोटर, ये सभी तो है, फ्रिज। अब एक टाइम में आप सब चीज़ साथ में चला रहे हो। अरे जब मोटर चला रहे हो तो फ्रिज बंद कर दो, जब आप एसी चला रहे हो तो फैन सारे रूम के बंद कर दो। तो अगर तरीके से इस्तेमाल करोगे आप तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा है, ऐसा खर्च नहीं आ रहा है कि हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अरे इस महीने तो इतने बिल आ गए, इस महीने तो उतने बिल आ गए। जब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आता था तब आप लोग कहाँ थे, तब भी आप लोग आवाज़ उठाते थे, आज भी आप उठाते हो आवाज़। कुछ लोग ना कभी संतुष्टि नहीं हो सकते हैं, नया कुछ चीज़ होता है हमारे देश में तो उसको लेकर कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में कि उनको उसमें वो फ्यूचर नहीं देखते हैं, अपना वर्तमान में वो टोका नहीं लगा सकते हैं, वो चोरी का बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उसमें सर्किट नहीं लगा सकते हैं मीटर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो परेशानी होगी ही, टेंशन होगा ही। फिर वो बोलेंगे, मैं वीडियो देखता रहता हूँ कि बिजली विभाग से ऑफिसर जाता है और उसको रोक दिया जाता है कि नहीं हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे मोहल्ले में डिजिटल स्मार्ट मीटर नहीं लगा। अरे भाई तुम कौन हो डिसीजन लेने वाले कि मीटर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं कोई भी बात ऐसा बोल रहा हूँ जो गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शायद हो सकता हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए कि उनकी भी आँखें खुले और वो भी देश में हो रहे नए बदलाव का समर्थन करें, साथ दें और इससे अपना देश आगे बढ़ेगा, नई नई चीज़ें आएंगी।
कुछ भी बदलाव होता है बस देश में हल्ला शुरू हो जाता है कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ।